हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग साथ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिसे देखकर आप लोग के घर के काम आसान हो जाएंगे। और चले दोस्तों, शुरू करते हैं हम इसे। तो हमारा सबसे पहला टिप्स है इस तरीके के चॉपर को लेकर के। तो चॉपर तो आजकल सबके घरों में रहता ही है, पता ही होगा इसका क्या काम होता है। तो इसमें जो होता है, इसके जो ऊपर का धागा होता है ना, वो उसमें पानी पड़ने की वजह से ना इसमें जंग लगने लगता है और वो ख़राब होने लगता है, और ये टूटने का भी डर रहता है। कभी कभी खिंचाते नहीं रहता है, प्याज वगैरह चॉपने होते रहते हैं। तो उसके लिए ना हम यहाँ पे इसमें वैसलीन लगाएंगे और वैसलीन की सहायता से इसके तार को मुलायम करेंगे, इसका जो धागा है खींच करके एक हाथ की सहायता से, और वैसलीन थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। उसके बाद हम इसे सब्जियाँ काटेंगे तो बहुत ही आसानी से कटेगा। तो आई होप कि आप लोग के ये टिप्स यूजफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा कुकर को लेकर के। तो जब भी हम कोई भी खाना वाना बनाते रहते हैं तो कुकर में सीटी नहीं लगते रहता है, साइड से निकलने लगता है एयर इसमें से, इस तरीके से। तो खाना हमारा कच्चा ही रह जाता है और जल भी जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसा बना नहीं बना। तो उस स्थिति में ना ये टेम्प्रोरी वाला ट्रिक है, इसे आप हमेशा यूज ना करें। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, एक बाल में लगाने वाला रबर लेंगे और इस तरीके से इसमें हम फंसा देंगे, ऐसे देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, इस साइड का जो एयर निकल रहा था वो बंद हो जाएगा निकलना, और बहुत ही आसानी से हमारा कुकर सीटी भी देगा। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, आई होप आप लोग को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स। तो नेक्स्ट टिप्स है हमारा इस तरीके के बोतल को लेकर के। आप कोई सा भी बोतल यूज कर सकते हैं इसके जगह पर, पानी पीने वाला बोतल या फिर कोई सा भी बोतल हम यहाँ पे ना यूज कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले बोतल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे काट कर डालेंगे, थोड़ा सा ही जो होता है। और इसको हम कोई सा भी बोतल ले लेंगे और इसको हम ऊपर वाले पार्ट को ना, इसमें जो बर्तन साफ करने वाला होता है वो मजना, वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो बहुत समय हर हमेशा क्या होता है ना, हम बर्तन साफ करने वाले मजने से ना डायरेक्ट छूते हैं तो हमारे हाथ में मतलब नोचने लगता है हमारा हाथ, और स्मेल भी करते रहता है साबुन की तरह ही। तो इसके लिए ना हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसका कटा हुआ इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम घुसा देंगे इसको, और बहुत ही आसानी से इसमें उसमें लगा करके, और इसे हम हर एक बर्तन को अच्छे से साफ कर सकते हैं। ऐसे में हमारे हाथ में भी नहीं लगेगा साबुन और बर्तन भी बहुत ही अच्छे से हमारा क्लीन हो जाएगा। तो आप लोग जरूर एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, बहुत ही ये मतलब यूजफुल टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मतलब साफ हो चुका है, बर्तन को मैंने साफ कर लिया और इसे हम इस तरीके से रख देंगे इसमें, और यहाँ पे हम प्लेट को धो लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टिप्स है वो कटा हुआ दूसरा बोतल जो था, मतलब उसके ऊपर वाले पार्ट का तो हम यूज कर लिए और नीचे वाले पार्ट को भी हमें नहीं फेंकना है, इसे भी हमें यूज ही कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इस वाले पार्ट को हम इस चाकू वगैरह होते हैं वो जो भी होता है उसे हम इसमें रख देंगे, तो वो एक जगह रहेगा, ये खो जाते रहते हैं, ऐसे खोएंगे नहीं। तो आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जरूर एक बार ट्राई करिएगा। इसके जगह पर आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी चीज़ रखने वाली पेन वगैरह भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।